ছত্তিশগড়ে ভোটের দিনই মাও অধ্যুষিত সুকমায় পরপর বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এই ঘটনায় দায় ভূপেশ বাঘেলের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের দিকে ঠেলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার মতে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকলে সাহস বেড়ে যায় মাওবাদী ও জঙ্গিদের বিশ্রামপুরে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যখনই কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে দেশে সন্ত্রাসবাদী ও মাওবাদীদের সাহস বেড়ে যায় ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের আটকাতে না পারার জন্য কংগ্রেস সরকারকে দায়ী করেছেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন যখনই কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে দেশে সন্ত্রাসবাদী ও মাওবাদীদের সাহস বেড়ে যায় কংগ্রেস সরকার মাওবাদী হিংসা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে অনেক বিজেপি কর্মীকে আমাদের তাদের থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে কিছুদিন আগে আমাদের একজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তিনি আরও বলেন যে কংগ্রেসের শাসনে ছত্তিশগড়ের সুরগুজা বিভাগে মানব পাচার ও মাদকের ব্যবসা বাড়ছে মোদীর কথায় আমাদের বোন এবং মেয়েদের নিশানা করছে অপরাধীরা উপজাতীয় পরিবারের অনেক মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে কংগ্রেস নেতাদের কাছে এর কোনো উত্তর নেই কংগ্রেসের তুষ্টি নীতির কারণে ছত্তিশগড়ের সুরগুজা অঞ্চলে উৎসব পালন করা কঠিন হয়ে পড়েছে जब जब कांग्रेस सरकार में आती है तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं जहां भी देखो इधर कभी बम फूटने की खबर आती है कभी उधर बम फूटने की खबर आती है कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध का लूटपाट का राज ही चलता है कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही है बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है अभी भी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी को गोली मार करके उसकी जीवन तबाह कर दिया इसलिए भाइयों बहनों क्या ये बम बं बंदूक के साय में जीना है क्या ये बम बं बंदूक के साय में जीना है क्या कितना ही पैसा क्यों न हो बेटा शाम को घर न लौटे और बेटे की लाश घर पे आए उन पैसों का क्या करेंगे हम लोग हर इसलिए भाइयों बहनों हर किसी की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसलिए कांग्रेस को हटाना उतना ही जरूरी है कांग्रेस सरकार में सरगुरा सरगुजा क्षेत्र में मानव तस्करी और नशे का कारोबार बेतहासा बढ़ गया है यहां बहनों बेटियों को अपराधी निशाना बना रहे हैं हमारे आदिवासी परिवारों की गरीब परिवारों की अनेक बच्चियां गायब हुई है बेटियां कहां गई इसका कांग्रेस के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है यहां कांग्रेस द्वारा वोट के लिए अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जा रहा है आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण यहां तीज त्यौहार मनाना तक मुश्किल हो गया है কংগ্রেসের উপর তার আক্রমণ অব্যাহত রেখে প্রধানমন্ত্রী মোদী অভিযোগ করেন যে কংগ্রেস দ্রৌপদী মুর্মুকে ভারতের প্রথম উপজাতীয় রাষ্ট্রপতি হতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ কেউ কি ভেবেছিলেন যে আদিবাসী পরিবার থেকে আসা একজন মহিলা ভারতের রাষ্ট্রপতি হতে পারে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না যে কংগ্রেস কতটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বিজেপি এই সম্মান নিশ্চিত করেছিল তিনি আরও বলেন যখন গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টি কেন্দ্রের ক্ষমতায় ছিল তখন তাদের চিন্তা ভাবনা ছিল যে আদিবাসীদের জন্য অর্থ ব্যয় করাটা একটা অপচয় साथियों भारत में हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी 9-10 करोड़ के आसपास है लेकिन आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस के लिए आदिवासियों का कोई वजूद ही नहीं था उन्हें उनके नसीब पर छोड़ दिया था कांग्रेस ने कभी आपकी चिंता नहीं की आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचा जबकि भाजपा ने हमेशा आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है क्या कभी आपने भी सोचा था कि आदिवासी परिवार से निकली गांव जंगलों में पैदा हुई गरीब घर में पैदा हुई एक आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बनेगी कांग्रेस ने उन्हें रोकने की उनके अपमान की इतनी कोशिश की इतनी कोशिश की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं लेकिन आदिवासी समाज की बहनों को ये सम्मान भाजपा ने ही दिया है ब्यूरो रिपोर्ट आरई न्यूज